एंड वेलकम बैक टू टैरोट अनइवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं। तो ये है डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। सो मैं कोई भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मैं कभी आपको कमेंट मैसेज करके बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। चलिए देख लेते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनाम् नित्यमोक्षम् अमृतम्। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मोत्तमोक्ते देवी नारायणी नमस्ते। बाबा महादेव मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स को लेके, वो लोग क्या करना चाहते हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, क्या थॉट्स आ रहे हैं और आप क्या बोल रहे हो मेरे व्यूअर्स को। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है परमेश्वरा। लेट्स सी। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को क्या मैसेज चाहिए। सेकंड कार्ड यहाँ पे आया है त्र्यंबका। दैट इज ग्रेट। एंड और क्या मैसेज बाबा। थर्ड कार्ड यहाँ पे आया है महाकाल। एंड और कुछ मैसेज। एंड फोर्थ कार्ड यहाँ पे आया है खांडवा। ओके, सो जो मैसेज पहला आया है वो है परमेश्वरा। आई थिंक यहाँ पे वो एक लीडर बनना चाहते हैं। ओके, वो आपको एक सलाह देना चाहते हैं आपके लाइफ में। आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनो, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट करो, वो चाहते हैं कि आप वो जिस तरीके से कहना चाहते उस तरीके को समझो। क्योंकि यहाँ पे बात आती है कि इस कनेक्शंस को वो अपने तरफ खींचना चाहते हैं। कोई एक ऐसे पर्सन है आपके तरफ खींचना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये फेब्रुअरी बॉर्न या फिर जून बॉर्न है जो इस टाइम पे कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि ये ना आपकी गलती शायद बहुत ज़्यादा निकाले थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि रिलेशनशिप क्यों नहीं चल रहा है, या फिर रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में ये किसी के साथ डिस्कस किए, कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप भी आप दोनों के साथ आपस में बैठ के आप डिस्कस किए हो, थेरेपी लिए हो, हीलिंग सेंड किए हो, या फिर ये कुछ समझने की कोशिश किए है कि किस तरीके का कनेक्शन है। उसके बाद एक एक डिसीशंस पे ये आ रहे हैं कि कौन किस तरीके से काम करेंगे, या फिर किसका बात सुना जाएगा, या फिर क्या क्या डिसीशंस ये लेंगे, क्या क्या डिसीशंस आप लोगे, काइंड ऑफ ऐसा बात आ रहे हैं। बट कंट्रोलिंग इश्यूज ख़त्म हो रहे, बाबा एक अच्छा सलाह दे रहे हैं। सो बाबा इनके कॉन्शियसनेस में आके एक अच्छा सलाह दे रहे, तो इस पर्सन की तरफ से कॉल और मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको आप ये पर्सन ब्लॉक करके रखे थे तो ये अनब्लॉक करेंगे। सेकंड आ रहे हैं कि त्र्यंबका। सो त्र्यंबका मतलब थर्ड आई, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बोलो, पॉसिबिलिटीज़ बोलो, ऑन है। क्योंकि बाबा बोल रहे कि आपके पर्सन शायद बहुत टेम्पररी फेज में थे, या फिर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। इस वक्त वो कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त वो सोच रहे हैं कि शादी के बाद क्या लाइफ क्या होगा, किस तरीके से वो हैंडल करेंगे, किस तरीके से वो आने वाले फ्यूचर को टैकल करेंगे। कुछ ऐसा हो सकता है कि आने वाले परिस्थितियों से वो डर रहे, तो हो सकता है कि अनसर्टेन फ्यूचर, या फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में ये वो कौन सा रोल को निभाएंगे, आप कौन सा रोल को निभाएंगे। सो कहीं ना कहीं फ्यूचर पर्सन आप हो उनके, ये रियलाइजेशंस आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बाबा एक चीज बोल रहे हैं कि बाबा उनके थर्ड आई ओपन कर रहे हैं। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप अपने डीएम को सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि हाल ही में वो एक अजीब किस्म का सपने देखे है, या फिर हाल ही में वो एक डिफरेंट किस्म का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किए है। आई थिंक ऐसा हो रहा है कि पास्ट में ये पर्सन कुछ अलग था, प्रेजेंट में इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी जारी है, और फ्यूचर में ये पर्सन बदल के एक नए पर्सन में बदल जा रहे हैं। और ये हो रहा है आपके इंट्यूशंस के अनुसार, तो हो सकता है कि आपका एक विजन आ रहा है आपके पर्सन को लेके, या फिर आप फील कर पा रहे हो कि किस तरीके से ये पर्सन चेंज हो रहे हैं। आप गेस कर रहे हो कि इस पर्सन के एक्शंस को लेके, इसके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है इसके लेके आप गेस किए हो, तो आपको पता है, आप पढ़ पा रहे हो इस पर्सन को। बाबा आपको इंट्यूटिव गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और इस पर्सन को थर्ड आई ओपन कर रहे हैं। तो किसी पर्सन को रियलाइजेशंस आ रहे हैं कि यस, आप ही हो उनके फ्यूचर पर्सन, आप ही हो जिनके साथ वो आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगस्त महीना, जनवरी महीना में इसका बॉर्न हो सकता है, या फिर
18th इसका बर्थ डेट हो सकता है, एट द सेम टाइम 26th इसका बर्थ डेट हो सकता है, इसका मूल अंक हो सकते हैं 1 या फिर 8 या फिर 2 या फिर 6. आई फील पर्सनली कि इस पर्सन को काइंड ऑफ एक ऐसे किस्म के एक ऐसे किस्म के एनर्जी इस पर्सन को ऐसे किस्म की एनर्जी ये अभी फील कि ये अपना कंट्रोल को खो बैठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कभी आपके बारे में बहुत इंटेंस पैशनेटली सोच रहे हैं, लाइक आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहे हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में फील कर पा रहा हूँ, और एक बार तो पूरा साइलेंट. तो कहीं ना कहीं जब ये मैसेज कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका लास्ट कुछ कह रहे हैं, ये बहुत क्लोजली आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लस्टी मैसेजेस ही आपको कर सकते हैं, यू नो इसके फिजिकल अट्रैक्शंस बढ़ रहा है, हो सकता है आपने इसको विजुलाइज कर रहे हो डिफरेंट अवतार में, हो सकता है कि आप इंटीमेट वे में इसको विजुलाइज कर रहे हो, आप सपने देख रहे हो इसके साथ लव मेकिंग आप कर रहे हो, और ये भी आपको फील कर रहे कि आपके साथ ये लव मेक कर रहे, हो सकता है कि ये किसी और पर्सन के साथ है, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत कैजुअली आपको ले रहे थे, मल्टीपल पार्टनर्स इसके थे, ओके मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ये पहले चीट किए थे, बट नाउ ये मन ही मन आपको चूज कर रहे हैं, लाइक मन ही मन ये खुद को रेस्ट्रिक्ट करे कि नहीं उन सारे पर्सन को ब्लॉक करनी चाहिए. तो हो सकता है कि ये अपने पास्ट कनेक्शंस को ब्लॉक करे और यू नो ये आप ही के साथ सेटल हो रहे हैं, तो आई थिंक ये सोशल मीडिया से विदड्रॉ कर रहे हैं या फिर खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यू नो इसको पता चल रहा है कि जीवन का सच क्या है, तो ये जो झूठ बोल रहा था ये झूठ बोलना बंद कर दे रहे हैं, तो ये पावरफुल किस्म की एनर्जी आई कुड फील. थर्ड इज महाकाल, तो बाबा इज मेकिंग योर सोल अंडरस्टैंड द ग्रेट ग्रेविटी ऑफ इमोशंस, आई थिंक डिवाइन इंटरवेंशंस. कुछ कुछ मुलाकात का रीज़न पता नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता चल पा रहे कि आप दोनों क्यों मिले हो, इस वक्त ये पर्सन आप को पाने की कोशिश करे, तो आई थिंक हो सकता है कि ये पर्सन रीच आउट करने की कोशिश करे, ये आपके सीक्रेट क्रश है, कहीं ना कहीं इसको आप रिजेक्ट किए हो या फिर हाल ही में इसको आप नो बोले हो या फिर ये आपको नो बोले थे, उसके बाद बात नहीं हो पा रहा था. एक एक नया इनिशिएशन, एक एक नए काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है ना, कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, नाउ महाकाल इज मेकिंग हीम अंडरस्टैंड कि खेलना क्या होता है. तो कोई विलेन हीरो बन रहे, कोई सेपरेटेड थर्ड पार्टी कनेक्शंस अचानक आपके प्रति बहुत सीरियस हो रहे, हो सकता है आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड था, ये किसी और पर्सन के दोस्त थे, या फिर हो सकता है इसके अलग बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड थे, एंड नाउ दे आर लीविंग दैट एंड दे आर कमिंग टू यू. कुछ ऐसा अनोखा चीज़ हुआ, ना आप खुद को कंट्रोल कर सके ना वो आप खुद को कंट्रोल कर सके, और ये होना ही था, ओके कुछ अनएक्सपेक्टेड था, आपको कुछ शक था, आई थिंक आपका शक यकीन में बदल जा रहे हैं. हो सकता है कि आपको पहले दिन से ही शक था कि इस पर्सन का कुछ अलग किस्म का इंटेंशंस है, और यस वो इंटेंशंस बाहर आएंगे. कोई पर्सन आपको देख के रियलाइज़ किए कि प्यार क्या होता है, कोई पर्सन आपको देख के शॉक्ड है, लाइक वो पहले आपसे क्यों नहीं मिले, पहले वो बात क्यों नहीं किए, पहले आपके साथ मुलाकात क्यों नहीं हुआ, वो तड़प रहे, और ये भी जान के वो तड़प रहे कि आप किसी और के हो. ऐसा हो सकता है कि आप किसी और के लिए प्रे कर रहे हो, या फिर उनको बोले हो कि आप किसी और को प्यार करते हो, बट फिर भी वो आपको चाहते हैं, यहाँ तक कि वो अपने रिलेशनशिप को भी लेट गो कर रहे. ऐसा मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन का भी जो पर्सन थे वो भी इसके साथ बात नहीं कर रहे थे. आई थिंक ये भी सेपरेशन फेज में थे, बट आप एक ब्रोकन फेज में थे, लाइक आप तय नहीं कर पा रहे थे. नाउ दे आर कमिंग एंड दे आर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि क्यों आपको इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपने ब्रोकन रिलेशनशिप को तोड़नी चाहिए. कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो नंबर है, हो सकता है वो जनवरी बॉर्न हो, नवंबर बॉर्न हो, फरवरी बॉर्न हो, मूल अंक इसका 1 हो सकता है, 10 हो सकता है. एट द सेम टाइम इस पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट है, चार्मिंग है, हाइट स्ट्रॉन्ग मतलब टॉल है, बहुत आवाज़ में दम है, लाइक ये पर्सन जब कुछ बोलता है तो आप सुनते हो, एक चार्मिंग क्वालिटीज़ है इनका, लाइक ये जब आते हैं ना तब आप बोल नहीं पाते हो, लाइक बोलते बंद हो जाते हैं, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के पर्सन है, बट ये आपको चूज़ किए हैं, ये DM आपको चूज़ किए हैं आउट ऑफ 100
और आउट ऑफ थाउजेंड, क्योंकि मैं देख सकती हूँ ये कि रिच पर्सन है या फिर सेलिब्रिटी किस्म के पर्सन है या फिर बहुत पॉपुलर एथलेटिक है या फिर कोई आर्मी है जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, लोग इन पे मरते हैं बट आपने इसको उतना ज़्यादा भाव नहीं दिए हो। यू नो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने ये आए थे तो आप उतना ज़्यादा भाव नहीं दिए हो, आपके फ्रेंड इसको बहुत ज़्यादा बात किए एंड देन ये आपके ऊपर इंटरेस्टेड है, आपके फ्रेंड के ऊपर नहीं, कुछ ऐसा। एंड लास्ट आ रहा है खंडोबा। आई थिंक जो हिडन एनिमीज थे, जो इनको गलत तरीके से बहका रहे थे या फिर आपके अगेंस्ट में बहका रहे थे, ये उसको समझ गए, इसके फैमिली या फिर इसके कोई दोस्त इसको बहुत बुरी तरीके से बहकाने की कोशिश किए थे। एंड खंडवा बाबा के जो अवतार है, ये इनके सोल के जो गोल है उसको क्लियर कर रहे हैं। यू नो ये अपने कार्मिक बैगेजेस को ख़त्म करे, ये अपने थर्ड पार्टी को ख़त्म करे, इसको पता चल रहा है कि कौन झूठ बोल रहा था या फिर ये अपने पीठ पीछे कौन कौन बात करे तो उसके बारे में कुछ पता चला है, फैमिली सीक्रेट्स के बारे में कुछ पता चला है। कहीं ना कहीं नंबर 9 है इनके मुलंग, तो हो सकता है कि अक्टूबर बॉर्न हो या फिर वर्गो हो या फिर इसका केतु बहुत स्ट्रांग है तो इसीलिए इसके भाई बहन बहुत दूर रहता है या फिर भाई बहन के साथ अक्सर लड़ाई चलता रहता है, इनका सिबलिंग्स राइवलरी है। यहाँ तक कि ऐसा हो सकता है इसके फैमिली में बहुत ज़्यादा कुछ यू नो प्रॉब्लम्स चल रहे फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है जायदाद को लेके या फिर कुछ बिजनेस को लेके, क्योंकि अक्सर इस पर्सन को फैमिली ललचाए है, उसके बाद फैमिली छोड़ भी दिए है तो फैमिली से इसको पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये अक्सर अकेले बड़े हुए हैं, बहुत दूर रहे, बोर्डिंग में इसका चाइल्डहुड बिताए, यू नो जो अनलव्ड है, इसको प्यार नहीं मिला, इसको दोस्ती नहीं मिला, इसको हमेशा बिट्रेल मिला है या इसीलिए ये दूर दूर रहते हैं लोगों से, ये कभी कमिटमेंट नहीं करते। आई थिंक ये क्वालिटी सबके लिए भी है। ये जो रीडिंग हो रहे हैं ना आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, एक हर्मिट है, ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, तो आई थिंक ये फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज करे कि इसको कुछ बोलना चाहिए, इसको रोना चाहिए, आई थिंक कोई इनर मोस्ट इमोशंस को कहेंगे। ये एक अजीब किस्म का एनर्जी है आपके डीएम का अभी, ये सेक्सुअली भी बहुत स्ट्रांग है, ये आपको पाना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपके साथ लव मेक करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्पिरिचुअल सेक्सुअलिटी को ये आपके साथ इन्जॉय करना चाहते हैं, ये फील करना चाहते हैं, आपके अंदर की ताकत को, आपके अंदर की ऊर्जा को ये फील करना चाहते हैं और ये हर हाल में आपका दिल जीतेंगे। कहीं ना कहीं बहुत दिन से किसी पर्सन को आप अवॉइड कर रहे थे, अब वो आ रहे हैं आपके लाइफ में, हो सकता है लव ट्राइंगल या फिर लव सर्कल, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन ऐसे होंगे जो आपके लाइफ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, क्योंकि ये दो डीएम जो है डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये दोनों को आप पसंद है। अगर आप फिलहाल किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो प्रिपेयर हो जाइए कि दो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। इस एनर्जी को अगर आप देख रहे हो, टू पर्सन इज कंस्टेंटली फोकसिंग ऑन यू, एंड इसमें से जो मैंने बोला कि वर्गो, जेमिनाई, पाइसिस, लिब्रा, एरीज, एट द सेम टाइम इसके मूल अंक हो सकते हैं 9, 1, 10, 8, इसके बर्थ डे अगर आप बोलो तो 9 तारीख को हो सकता है, 1 तारीख को हो सकता है, 18 तारीख को हो सकता है, 26 तारीख को हो सकता है, या फिर 9 से लेके 18 के अंदर, 26 से लेके 1 के अंदर। एट द सेम टाइम ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क किए हैं और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इसको ऑरा को आप दूर से समझ जाते हो, इसके साथ सपनों में आपका कनेक्शंस है, शायद इसके साथ आप मिले नहीं हो, लाइक हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, बट ऐसा लगता है कि ये आपको मतलब आपके हर रूटीन को ये जानते हैं अंदर से। आई थिंक ये पर्सन वापस आ रहे, कोई एक ऐसा डीएम है जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा परिचय था 6-7 साल से, अचानक 4-5 साल गायब हुआ, वो आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम एक नए पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो डिवाइन फेमिनाइन, बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मैजिक, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग लिख दीजिएगा जय बाबा महाकाल, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनी पर, एंड मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिल रहा हूँ कल काली माँ के गाइडेंस के साथ, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय बाबा महादेव, ओम नमः शिवाय।